नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। हेल्थ शो सेहत आपकी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। और साथ ही दर्शकों, हम अगर बात करें अपने खूबसूरत बालों की, तो आपको हमेशा ख्याल होता है अपने खूबसूरत बालों को कैसे देखभाल करें, कैसे उनको गिरने से रोकें। ऐसी तमाम आपकी जो समस्याएं हैं, उसी समस्या को आज हमने विषय बनाया है। जी हाँ, आज सेहत आपकी का विषय है, कैसे पाएं निजात असमय गिरते बालों से। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, यानी हमारे परामर्शदाता हैं डॉक्टर उमंग खन्ना। आप होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर साहब आज बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसे आप होम्योपैथिक इलाज से आप अपने बालों को रोक सकते हैं, गिरने से उनको बचाया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट डॉक्टर के साथ चलते हैं और उसमें जानते हैं अपने विशेषज्ञ से कि असमय गिरते हुए बालों की समस्या हालांकि क्या है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ये बाल हमारे झड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय पर डॉक्टर के साथ में। इस समस्या को दर्शकों, मैं आपको समझाने के लिए आपको बालों के विषय में पहले कुछ बता देता हूँ। यह जो बाल होते हैं, ये हमारा प्रोटीन होते हैं। केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे यह बाल बनते हैं। और यह बाल आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे यह बाल स्किन के ऊपर आते हैं, अंदर हेयर फॉलिकल से ग्रो के बाहर आते हैं, यह डेड हो जाते हैं। यानी जो आप ये हिस्सा अपना बालों का देखते हैं, जिसको आप सजाते हैं संवारते हैं, यह वास्तव में मृत होता है, मुर्दा होता है। अब आते हैं बात जो उठाई गई कि बाल झड़ते ही क्यों हैं। इसको समझने के लिए आप एक बात समझ लें कि बाल निकलने, रुकने और झड़ना तीन स्टेजों में बटा होता है। बाल निकलने की जो स्टेज होती है हेयर फॉलिकल से, उसको एनाजेन कहते हैं। जितने ज़्यादा वक्त तक आपकी ये स्टेज चलती है, उतने आपके बाल लंबे हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके बाल कम लंबे हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी एनाजेन स्टेज कम वक्त के लिए आपके साथ है। दूसरी स्टेज कैटाजेन होती है, जिसमें कि फॉलिकल्स हेयर की सिकुड़ने लगती हैं। यह करीब दो तीन महीने की होती है और उसके बाद यह ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद टेलोजेन होती है, जिसमें कि बाल डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपका नया बाल निकलता है। तो यही तीन बातें हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगी कि बाल झड़ते क्यों हैं। अगर आपकी एनाजेन स्टेज लंबी है, तो आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं। एनाजेन स्टेज छोटी है, तो बाल छोटे हैं। दूसरी, इसमें एक बात आपको बता दें कि हर व्यक्ति के 40 से 80 बाल रोज झड़ते हैं। तो आपको इसके विषय में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो आपके बाल अचानक नहीं झड़ रहे हैं, तो 80 बाल तक झड़ने के लिए आपको किसी परामर्श की ज़रूरत नहीं है। उतने बाल झड़ेंगे और उतने नए बाल टेलोजेन स्टेज के बाद वापस आएंगे, तो आपके बाल वैसे ही घने बने रहेंगे। लेकिन जब यह बाल अचानक तेज़ी से झड़ने लगे, उस समय आपको डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत होती है और आपको अवश्य उसको लेना भी चाहिए। अगर आप उस परामर्श को ले लेंगे, तो आप बालों को समय पर झड़ना रोक के अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं। तो आपको इस विषय में सजग रहना चाहिए कि हमारे बाल अचानक तो नहीं झड़ रहे हैं या पैचेस में तो नहीं झड़ रहे हैं, बस वही एक देखने वाली बात होती है। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है कि हम हेलो डॉक्टर में आपके साथ फोन इन के साथ आपसे संपर्क करें और आपकी समस्या का समाधान कराएं। तो देखते हैं हेलो डॉक्टर में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कैसे पाएं असमय गिरते झड़ते बालों से निजात। तो आप इस विषय पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, बस आपको हमारा फ़ोन नंबर नोट करना होगा और डायल करना होगा। हमारे फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, दूसरा नंबर है 0522-228-8698। दर्शकों, आपसे इतनी गुजारिश है कि जब भी आप फोन कॉल करें, तो अपने टीवी सेट से थोड़ा दूर हो जाएं, जिससे आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचे और आप अपनी समस्या का समाधान पा सके। और साथ ही अब हम स्वागत करेंगे एक बार फिर से अपने विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना का। आप होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि हेयर फॉल की बात हो रही है यहाँ पर, अभी आपने समस्या के बारे में थोड़ा जिक्र भी किया, और तो हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हेयर फॉल के लिए जब भी हम बात करें, तो सबसे पहले जानें कि हमारे बाल वाकई में किस चीज़ से बने होते हैं, किस इसका जो हमारा तत्व है ये क्या है। जी हाँ,
जो हमारे बाल होते हैं ये केराटिन प्रोटीन होता है, जी केराटिन प्रोटीन से बने बाल होते हैं और यही ग्रो करते हैं। जी जी मैं फिर कहूँगा, जब यह आपके स्कैल्प से बाहर आते हैं तो यह डेड होते हैं, तो जितने बाल आप बाहर देखते हैं वह एक तरह से मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत होते हैं जी, लेकिन हम लोग उसको फिर भी संवारते हैं और संवारना भी चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, हम देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, मेरा नाम चंद्रशु मिश्रा, मैं बाराबंकी गाँव बसों भी बोल रहा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ जो बाल झड़ते हैं तो इसकी होती है, कोई परिवर्तन ना होता है करते हैं। दूसरी चीज, अब जो समय लग गया है कि बाबा के बाल काले हैं, पोते के बाल सब पक जाते हैं, तो ये लगता है पोता इनका बाबा है, तो इससे किस प्रकार से निजात मिले। जी नंद स्वरूप जी, आपके जी डिस्कनेक्ट हो गई है। जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न आपने सुन लिया है और हम चाहते हैं इनके समाधान ये बताएं। जी आपने बड़ी अच्छी बड़े रोचक तरह से बात उठाई नंद किशोर जी, कि जो है बाबा के बाल तो सफेद होते हैं और बच्चे के बाल काले होते हैं, तो इसको किस तरह रोका जाए कि जो है बच्चे के बाल और बाबा के बाल दोनों के काले रहें। जी इसके लिए आप दो तरह से इस पे कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य ये कर सकते हैं कि आपके घर में जो सामान है उसका औषधियों को रूप में इस्तेमाल करके आप लाभ पा सकते हैं, और दूसरा आप दवा का सहारा ले सकते हैं। तो पहली बात पर आते हैं, अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में वह ठीक हो जाएंगे यदि आप खाने में अलसी का इस्तेमाल करें, अलसी के बीज का इस्तेमाल करें, दिन में रोज़ एक आंवला खाएं और अपने बालों को रोज हरी धनिया की पत्ती के पानी से धोते रहें, तो आपके बाल असमय सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत कारगर दवाएं हैं। आप असमय सफ़ेद हुए बालों को काला रखने के लिए लाइकोपोडियम नाम की दवा ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 पावर में दो दो बूंद यदि 3 बार आप ले लेते हैं 3 महीने की अवधि तक, तो बहुत संभावना है कि आपके जो नए बाल, जो बच्चों के असमय आजकल सफ़ेद होते बाल हैं, आज तनाव के कारण, प्रदूषण के कारण, दवाओं के इस्तेमाल के कारण, हार्मोनल चेंज के कारण, वह अपनी जगह काले होने लगेंगे और वह सामाजिक रूप से बच्चा अपने को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। जी स्वरूप जी, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, अभी कॉजेज की बात आपने जब की है तो हम कॉजेज के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे कुछ लोगों को थायराइड की आपने बताया हार्मोनल प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोग एनीमिक होते हैं उसकी वजह से भी उनको बाल झड़ते हैं, तो क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज है? जी हाँ, निश्चित रूप से होम्योपैथी में इसका इलाज है, और होम्योपैथी में इसका इलाज इसलिए और अच्छा है कि वह आपके कारण को ही दूर करता है। और बात कारण की हो रही है तो मैं कारण बता देता हूँ उसका। थायराइड में बाल बहुत झड़ते हैं, हमने अपने क्लिनिक पे अक्सर हम लोग देखते हैं, मरीज आते हैं उनको थायराइड होता है और बहुत बाल झड़ते हैं, और होम्योपैथी में उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है थायरोडिनम। तो अगर हमारे किसी दर्शक को हाइपोथायरॉयडिज्म हो, थायराइड का वैल्यू 5.5 के ऊपर हो, TSH का वैल्यू, और उनके बाल झड़ रहे हों, जो कि आमतौर पर होगी उनमें ये सिम्टम, तो उसको वो लोग थायरोडिनम नाम की दवा का नियमित सेवन करके दिन में 3 बार 3x पावर में अपने बाल झड़ने से रोक सकते हैं। दूसरा कॉज आता है अनीमिया, खून की कमी। जब आप में खून की कमी होती है तो आपके हेयर रूट्स में, हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, खून का बहाव कम हो जाता है, और जब आपका नरिशमेंट या पोषण आपके हेयर की रूट को नहीं मिलता है तो वह ही आपके बाल झड़ने की और बाल पतले होने की दोनों की स्थितियां होती हैं। इस स्थिति में सबसे पहले तो सरकार इतने कार्यक्रम चला रही है, आपको महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उनको पोषण अच्छा लेना है, उन्हें परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं तो उन्हें पोषण बहुत अच्छा लेना है। उसके साथ ही आप होम्योपैथी में फेरममेट दवा आती है, फेरममेट 30 पावर में दो दो बूंद यदि 3 बार ले लेते हैं दिन में, तो आपका अनीमिया के कारण झड़ने वाले बाल जो है वह रुक जाएंगे और आपके बाल ठीक हो जाएंगे। जी। फिर एक तीसरी स्थिति आती है प्रदूषण। प्रदूषण भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़े शहरों में ज़्यादा हो गया है और उसके कारण लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर प्रदूषण की स्थिति में आपकी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में आपने पलायन करा कारोबार के लिए, किसी काम के लिए, और माइग्रेशन हुआ, तो फिर आपका लगा कि यहाँ ज़्यादा प्रदूषण है, पहले हम गांव में थे, बहुत साफ़ सुथरे जगह पर थे, तो उस स्थिति के आप आर्सनिक एल्बम एक दवा आती है, आप आर्सनिक एल्बम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके अपने असमय सफ़ेद हुए बालों को काला कर सकते हैं। और साथ में आप
यहाँ पर एक बात और होती है कि बहुत लोग अपने बालों को बहुत ज्यादा धोते हैं, उसके बाद बड़ी सख्त पोछते हैं कि बाल बहुत साफ हो जाएंगे। जी, जी। तो इस बात का भी दर्शकों को ध्यान रखना है कि बालों को बहुत सॉफ्ट पोछें। ये आपके एक डेलिकेट बॉडी पार्ट का जो है वो एक डेलिकेट हिस्सा है, इसको आप बहुत हल्के से पोछें ताकि आपका फॉलिकल्स पे बहुत दबाव ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल झड़ रहे हैं और आप उसको स्क्रैच करके रगड़ के और उसको झाड़ रहे हैं। जी, और डेली हेयर वॉश के लिए शायद डेली हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल कम करें, हफ्ते में एक या दो बार से अधिक ना करें, क्योंकि यहाँ आपके स्कैल्प का पोषण ले लेता है। तो जब जो नेचुरल सीबेसियस ग्लैंड से आपका ऑयल सीक्रीट हो रहा है हेयर्स को अच्छा रखने के लिए, वह ही नहीं रहेगा तो आपका डैंड्रफ भी आएगा और आपको हेयर फॉल भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनकी कॉल यहाँ अटेंड कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताएं। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मेरा नाम सुपेक्षा द्विवेदी। जी जी सुपेक्षा जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी उम्र 21 साल है, मेरे बाल सफेद हो गए और बढ़ भी नहीं रहे। अच्छा, दोनों ही बातें आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा घरेलू नुस्खे में मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा दवा में कर लेते हैं और थोड़ा आप ज्यादा खुश रहना शुरू कर देते हैं। अगर आप तीन बातें कर रहे हैं, यानी आप तनाव में नहीं रहती हैं, अगर आप यह तीन चीजें कर लेती हैं तो बहुत फायदा है। पहली चीज आती तनाव में ना रहें, और तनाव में ना रहने के लिए बहुत अच्छा तरीका, आप गहरी सांसें लें। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचता है और आपके शरीर का भी तनाव कम होता है, और जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा तो फिर आपका बाल झड़ना भी कम हो जाएगा या रुक जाएगा। दूसरी चीज़ आती है दवाएं। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने से रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस का 1000 पावर में एक खुराक यदि वीकली ले लेते हैं, केवल यह एक दवा ले लेते हैं, तो भी आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, आपको 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। और तीसरी एक बात आपने कही कि बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो बाल आपके बढ़ने लगेंगे यदि आप इसके साथ एक होम्योपैथी में मेडिसिन आती है एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद ले लेंगी, तो आपके बाल बढ़ने भी लगेंगे। जी सुपेक्षा जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान अवश्य हुआ होगा, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों को कभी कभी बालों में सिर में पैचेस नजर आते हैं, वहाँ पर उनके बाल नहीं होते हैं, एकदम खाली हो जाती है वो जगह, ऐसी क्या समस्या है ये? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, इसको एलोपीसिया एरियाटा कहते हैं और आपके घरेलू भाषा में बालखोरा कहते हैं। जी तो एलोपीसिया एरियाटा ये एक बीमारी होती है, यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आपके अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपके बाल की जड़ों को बाहरी तत्व मान के उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, यानी आपकी खुद का शरीर आपके बालों को नुकसान कर रहा है और वो एक पैचेस नुमा बाल जो है जाने लगते हैं। यह रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, 6-8 महीने में यह बाल वापस आ जाते हैं। साथ में आप इसका केयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। केयर में इसमें 2 बहुत कारगर दवाएं होम्योपैथी की, पहली दवा है ग्रेफाइटिस, आप ग्रेफाइटिस 30 पावर में 30 पावर में, और दूसरी दवा है सिलीनियम 30 पावर में। यह 2 दवा आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपका यह जो एलोपीसिया इरियाटा यानी पैचेस में बाल जाने वाली समस्या है, यह 3 से 6 महीने में रिजॉल्व हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब यहाँ हमारे साथ एक कॉलर है और उनकी भी कोई समस्या है। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी मिल रही है। जी बताइए। हेलो मैडम जी, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे। मैडम मुझे ये पूछना है, मेरे बाल जो है। जी एक बार पुनः अपना प्रश्न दोहराए। बहुत ज्यादा झड़ते हैं और बाल सफेद भी हैं। अच्छा, और कई मुझे बाल हो जाते हैं। जी आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप एक छोटा सा प्रयास कर लें। आप हरी धनिया की पत्ती लें, जिसको कोरिएंडर कहते हैं, हरी धनिया की पत्ती लें, उसको रात में आप पानी में उबाल लें और उसको रात में रख दें और सुबह उस पानी से अपने बालों को धो लें। अगर आप यह कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। झड़ने के लिए हमने इस कार्यक्रम में दवा बताई है,
लाइकोपोडियम एसिड हाइड्रोफ्लोर बराइटा कार्ब या सब बाल झड़ने से होम्योपैथी में रोकने की बहुत अच्छी दवा है। और आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप जो ऑयल लगाएं सर में उसकी मसाज करें। अगर आप बालों की मसाज अच्छी करते हैं तो आपका स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जब आपका स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो स्वतः आपके बाल झड़ने से रुक जाते हैं। बाकी तनाव ना लें तो भी आपको बहुत जल्दी सुधार होगा और आपके असमय सफ़ेद हुए बाल वापस काले होने लगेंगे। आंवले का फसल आ रही है, आप आंवला खाते रहें, विटामिन सी का ये रिचेस्ट सोर्स है, जब आपको रिच विटामिन सी मिलेगा तो आपके बाल खुद काले होने लगेंगे। जी, आपके लिए कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि आप पोषण के साथ में होम्योपैथिक दवाओं का आप सेवन करें और अपनी समस्या से निजात पाएं। डॉक्टर साहब अगर हम देखें, कई लोगों को ये समस्या होती है कि वो जब ठंडी जलवायु में जाते हैं तो उनके बाल कम होने लगते हैं या कई बार उनके सिर में बहुत कम बाल रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ठंडी बात हुई है, ठंडी जगह की बात है, तो हमारे कश्मीर से एक कॉलर भी हैं, हम उनको अटेंड करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं जी। मैं नसीर कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कश्मीर से नसीर बोल रहा हूँ। मेरे बाल गिर रहे हैं मैडम जी। आपकी उम्र कितनी होगी? 28 जी। भाई साहब बहुत अच्छी बात आपने उठाई, और अभी मौसम की बात हो रही थी तो उसी में बात उठ गई। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं ठंडक के कारण, आपके थोड़ा ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, जब ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो शायद जो पोषण होता है फॉलिकल को उसमें कुछ फर्क आता है। तो अगर आपके ठंडक के कारण बाल झड़ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं तो उस स्थिति में एक उपाय जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वो आप बालों की और सर की मसाज कराएं। अगर आप तेल लगा के बालों में ऑयल अप्लाई करके थोड़ा मालिश कर लेते हैं, सर की मसाज कर लेते हैं, तो उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके स्कैल्प में, और जब आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो आपकी हेयर फॉलिकल होती है जहाँ से बालों की उत्पत्ति होती है, बाल जरूर मुर्दा होते हैं या बाल डेड हैं लेकिन अंदर जो फॉलिकल है वहाँ डेड नहीं है, तो अगर उनमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छा आ जाएगा तो आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और आपके बाल घने हो जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि फिर से मैं कहना चाहूँगा कि 40 से 80 बाल औसतन रोज सबके झड़ते हैं, तो उतने बालों के लिए अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा खर्च ना करें उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो बाल झड़ेंगे बशर्ते वो अचानक झड़ना ना शुरू हुए हों। जी जी, नॉर्मली आपके 1.5 से 2 लाख बाल होते हैं और जो है वह 40 करके 80 जुड़ते हैं और वो टेलोजेन फेज के बाद दोबारा निकलने लगते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि एनाजेन जो स्टेज होती है बाल बढ़ने की वह 3 साल रहती है, उसके बाद 2 महीना स्टेटस वैसे ही रहता है, उस समय आपकी फॉलिकल सिकुड़ती है और उसके बाद टेलोजेन स्टेज में वह झड़ जाता है। जी नसीर साहब, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, यहाँ ठंडी जलवायु की बात हुई और कश्मीर से फोन कॉल भी आ गई, लेकिन जिन लोगों की समस्या ज्यादा हो चुकी है, मतलब बाल बहुत कम हो गए हैं सिर में, तो क्या दोबारा से होम्योपैथिक दवाएं उन पर कारगर हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कारगर हो सकती है बशर्ते हेयर फॉलिकल हो। जी, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को थोड़ा कहना भी चाहूँगा कि जहाँ हेयर फॉलिकल आपके नहीं है वहाँ पर आप बाल निकालने का प्रयास ना करें, वो आपका व्यर्थ प्रयास होगा। लेकिन ज़्यादातर हिस्से में एक ये मेल बैल्डनेस पैटर्न होता है, एंडोजेनिक पैटर्न, जब साइड से बाल जाते हैं, तो अगर ये आपके नहीं गए और बाल हल्के हो रहे हैं तो वहाँ बाल निकलने की स्थिति होती है। अगर आप जो बाल हैं उनकी ही केवल केयर कर लेंगे बाकी बाल खुद आ जाएंगे जी, तो उनकी केयर कर लीजिए कि जो बाल और ना झड़े, और उसके लिए दवाएं भी आपको बताई गई हैं, आपको खान पान भी बताया जा रहा है और आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी बताया जा रहा है। जी नोट साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ हैं, उनके भी कोई जिज्ञासा है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताएं। रिचा जी, रिचा जी बताइए क्या जानना चाहती है। मेरे बालों में डैंड्रफ है, वो सही नहीं हो रहा है, किसी भी मौसम में सही नहीं होता है। आपका डैंड्रफ पीला है कि सफेद, येलो, ब्राउन या वाइट? रिचा जी, हेलो रिचा जी, वाइट वाइट। ठीक, मैं आपको तीनों विकल्प दिए देता हूँ क्योंकि तमाम दर्शक जी। और अपने हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अगर आपके वाइट डैंड्रफ है तो आप दो काम कर सकती हैं।
पहला काम आप कर सकती हैं जो आप अपने घर में कर सकती हैं, दूसरा काम कर सकती हैं जो आप मेडिकल स्टोर तक जा सकती हैं, या सरकार ने इतनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दी आप किसी भी अस्पताल में जाके उसको उपयोग कर सकती हैं। तो पहला स्टेप है कि आप एक मग्गा पानी लीजिए, एक मग पानी लीजिए, उसमें आप 2 से 4 नींबू निचोड़ लीजिए और उससे बालों को धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल भी बहुत अच्छे हो गए और डैंड्रफ भी खत्म हो गई। जी। दूसरा जो विकल्प है, सफ़ेद अगर आपके डैंड्रफ है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 1 mg/hour की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली यानी हर हफ्ते ले लें, आप देखेंगे कि आपकी डैंड्रफ चली गई। दूसरी कंडीशन भी यहाँ बता दें, बहुत से हमारे दर्शक होंगे जिनके की येलो डैंड्रफ होगी। जी, जी। अगर पीले रंग का स्केल पड़ रहा है तो आपकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली सल्फ। काली सल्फरिकम 30 mg/hour में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें तो आपका येलो डैंड्रफ चला जाएगा। और इसी श्रृंखला में एक और तरह का है कि ब्राउन डैंड्रफ पड़ रहा है, भूरे हल्के भूरे रंग का एक टिंच मार के वो पड़ रहा है, तो अगर टिंट है उसमें ब्राउन कलर का तो उसकी दवा है काली म्यूर। काली म्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। और यहाँ पे मैं हम दर्शकों को ये भी बता दें कि डैंड्रफ होता क्या है। जैसे आपने सवाल करा मेरे डैंड्रफ है तो डैंड्रफ होता क्या है, आप ये भी जान लें। डैंड्रफ जो आपकी स्किन होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इपिडर्मल लेयर होती है, उसका जब स्केल्स वो ड्राई हो जाती है तो स्केल्स के फॉर्म में छूटती है, तो वहाँ ही डैंड्रफ होता है। जी ऋचा जी, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं और उनका भी कोई प्रश्न है। हेलो 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हम अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखा कर जब आप कॉल करें, या आप मोबाइल लेकर के थोड़ा दूर चले जाएं। जी ये कॉल बहुत अच्छी तरीके से हम तक नहीं पहुंचे डॉक्टर साहब। यहाँ पर आपने रूसी की बात की तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी रूसी की समस्या नजर आ रही है डॉक्टर साहब, क्या वो पोषण की कमी की वजह से है, सुपोषण नहीं मिल रहा है, ऐसा भी कुछ है? जी हाँ बिल्कुल है, पोषण की वजह से सबसे बड़ी कमी जो इस समय हो रही, बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। जी आज का इतना मशीनी युग हो गया है कि जब खाना खाने का आपका वक्त होता है तो आप खाना शायद पानी के साथ निगल लेते हैं। सुबह बच्चे उठते ही उनका नाश्ता तैयार है, 6-7 बजे का स्कूल होता है, औसतन 7 बजे सारे स्कूल लखनऊ में या कहीं भी प्रदेश में कोई भी देश में लग जाते हैं। तो जब आपको नाश्ता कर लिया उसके बाद एक छोटी सी आप 1 लीटर की बॉटल ले गए, बहुत से बच्चे तो 0.5 लीटर की बॉटल ले जाते हैं, वो जानते हैं कि स्कूल जाके शायद क्लास के बीच में टॉयलेट जाने को ना मिले या टीचर गुस्सा हो, इस तरह हो जाता है इंटरवल। जी। इंटरवल में थोड़ा सा पानी उन्होंने पिया, खेलकूद में लग जाते हैं, 15 मिनट में घंटी बज जाती है, फिर बच जाता है 1.5 बजे तक वो केवल 0.5 लीटर पानी पी रहे हैं। सुबह पानी की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से एक स्थिति पैदा होती है। दूसरा पोषण है, हमें अपने पोषण का बहुत ध्यान रखना है, हमको जो है प्रोटीन रिच कंपाउंड लेने हैं क्योंकि हमारा हेयर जो है वह प्रोटीन है। अब जो चीज भी प्रोटीन है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर है। और अब डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों वक्त हो चुका है कि हम और हमारी पूरी टीम आज के कार्यक्रम से ले रहे अनुमति और हम मिलेंगे अगले मंगलवार और बुधवार शाम 6 बजे क्योंकि DDUP को परवाह है।